हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? GoPro Hero 9 है इसके अंदर। Amazon से मैंने ऑर्डर किया था और इसकी जो प्राइसिंग थी वो 37,990 की पड़ी थी। तो दोस्तों, ये तो हो गया मतलब इसकी प्राइसिंग के बारे में। तो हम अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं आखिर इसके अंदर GoPro Hero 9 को पैक कैसे किया है Amazon ने और कैसे भेजा। हम लोगों की एक्साइटमेंट बहुत अच्छी खासी है। ये निकला है खर्रा। कितना धन आपने भैया खर्चा किया है? तो ये रहा इसका खर्रा। इसको मैं छुपा के रख लेता हूँ। वैसे पैकिंग तो इसकी बड़ी ज़्यादा सही नहीं कहेंगे, क्योंकि इसकी पैकिंग टेप वगैरह लगा करके ऊपर से चिपकाया गया है। तो शायद ये देख लेता हूँ कहीं यूज ना हो। ये रहा, हाँ, इसके ऊपर बस GoPro का एक वो लगा हुआ है, स्टिकर लगा हुआ है। हालांकि ये यूज नहीं है, बिल्कुल फुल पैक्ड है मुझे लग रहा है जहाँ तक। हाँ, फुल पैक्ड है। और ये जो बॉक्स है, यहाँ से एक रैपर दिया हुआ था, उसे मैंने ऐसे चीर दिया, खींच के फाड़ दिया। तो ये निकला हमारा GoPro का पूरा डिब्बा। इसकी ब्रांडिंग दी हुई है GoPro Hero 9 Black, इसकी ब्रांडिंग दी हुई है। और इसमें जो हाइपर स्मूथ है 3.0 है, स्टेबलाइजेशन है इसमें 3.0 का। तो और ये 20 मेगापिक्सल 5K और 4K, 5K 30 FPS पे है, और ये जो इसका 4K है वो 60 FPS पे है। और 33 फिट यानी 10 मीटर का इसका जो है मतलब वाटर प्रूफ रेंज है। और 1080p ये लाइव स्ट्रीमिंग कर सकता है। और इस पर जो MRP दी हुई है 49,500 का। और बाकी ये बहुत सारे फीचर्स इसमें दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ वॉइस कंट्रोल्ड है, 33 फीट तक नीचे पानी में वर्क कर सकता है, 8 गुना स्लो मोशन काम कर सकता है, डाटा ओवरलेज कर सकता है, और टाइम रैप भी चला सकते हैं इसमें 3.0 है, और 1080p लाइव स्ट्रीमिंग जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, सुपर फोटो प्लस HDR रॉ में ये खींच सकता है फ़ोटो, वेबकैम मोड इसमें लग सकता है, जिससे अगर आप कहीं पे लगा के रख दें और कोई एक्टिविटी आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं, और टच स्क्रीन भी है। तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की हुई हैं। और ये GoPro का ऐप आप डाउनलोड करके इसको स्टार्ट कर सकते हैं, इसको ऑन कर सकते हैं। तो इसको मैंने रखा इधर, और फिर खोलते हैं ये अमेजिंग सा डिब्बा, जो कि मैं काफ़ी पहले से इसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब बेताब था। ये इसकी ब्रांडिंग की हुई है GoPro की। और हम इसे खोलते हैं। जय भोलेनाथ। वाह, स्टिकर्स दिए हुए हैं जो कि आप इसे लगा सकते हैं, अपने कैमरे में लगा सकते हैं, माउंट में लगा सकते हैं, अपने हेलमेट में लगा सकते हैं, गाड़ी पे लगा सकते हैं। तो ये दिया हुआ है, इसे रखते हैं एक कॉर्नर में रखते हैं। और ये हो गया इसका बुक, जो कि इंस्ट्रक्शन बुक है, इसे आप पढ़ सकते हैं, इसे कोने में रख देते हैं। क्या क्या मिला है? एक USB टाइप सी चार्जिंग केबल, और ये माउंट है उसके लिए, कैमरे के लिए ये माउंट है। और ये हो गया एक स्क्रू माउंट करने के लिए, आपके लिए एक स्क्रू है इसमें। और ये दिया हुआ है, ओ बैटरी इसकी देखो तो बैटरी कितनी छोटी है इसकी, ये बैटरी दिया हुआ है, ये बैटरी हो गई। और इसका जो माउंट, जो आप जहां से इसको टैग करेंगे वो इसका माउंट दिया हुआ है ये। और टोटल GoPro की इसमें ब्रांडिंग दी हुई है, हालांकि इसमें नहीं दी हुई कोई ब्रांडिंग, इसमें दी हुई है GoPro की ब्रांडिंग है इसमें। और हम अब निकालते हैं अपने बबुआ को, छोटा बबुआ को, ये देखिए। हालांकि गर्दा वर्दा काफ़ी खाए हुए हैं बाबा साहब, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हालांकि इसकी जब आप इसको हैंड इन करते हैं तो फिर वेट इसका थोड़ा सा आपको मालूम चलता है, जबकि इसमें बैटरी अभी नहीं लगी हुई है, लेकिन वेट इसका थोड़ा सा मालूम चलेगा। तो ये जो है हमारा कैमरा स्टार्ट हो गया है। अब इसमें हम लगाएंगे बैटरी और चेक करेंगे कि आखिर में ये काम कैसे करता है। तो अब हम इसमें डालते हैं बैटरी,
और बैटरी डालने के लिए बहुत क्रिटिकल है। मैं अपने कैमरा पर्सन भाई साहब से बोलूँगा, ज़रा थोड़ा सा और पास में आ जाओ, मैं ज़रा अच्छे से दिखा दूँ। देखो ये जो तरीका है, ये इसका बैटरी डालना थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है। इसको थोड़ा सा, इस नॉब को थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचेंगे, ऐसे खींचने के बाद में फिर इसको पीछे की तरफ खींचेंगे। नॉब को ऊपर खींचना है और फिर बाहर की तरफ खींचना है, और ये ऐसे बैटरी का कंपार्टमेंट ऐसे खुल जाएगा। ये ध्यान रखना है, ये जो इसका जो ऊंचा वाला सिरा है इसको इधर रखना है और इसको एवं ही इंटर कर देना है बैटरी, और ये बैटरी इंटर हो जाएगी। यहाँ पर आपका मेमोरी कार्ड लगेगा और यहाँ पर ये बैटरी की चार्जिंग होगी। ये बैटरी का चार्जिंग का हब है, टाइप सी हब है। और उसके बाद में इसको ऐसे बिल्कुल पुल अप करके और फिर इसको डाउन कर देंगे तो ये आसानी से बंद हो जाएगा। ठीक है, अब ये बंद हो गया, अब हम इसे ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद में देखते हैं कि इसका व्यू कैसा दिख रहा है। तो अब हम इसको करते हैं ऑन। इसका मतलब है ये टी टी कर रहा है, इसका मतलब ये ऑन हो गया। ये दो बार अगर इसने आवाज़ दी है तो मतलब ये ऑन हो चुका है। और ऑन होने के बाद में ये इसमें GoPro लिख के आ रहा है। अभी मुझसे ये सेटिंग के लिए बोल रहा है, मैं सेटिंग करता हूँ। फिनिश सेटअप, लीव योर कैमरा ऑन एंड फॉलो ऐप इंस्ट्रक्शन। तो हम सबसे पहले करेंगे ऑन, सबसे पहले अपने फ़ोन में हम करेंगे, क्या कर रहा है, सबसे पहले अपने फ़ोन में करेंगे हम GoPro का ऐप डाउनलोड। तो जाएंगे, सेट कर लिया है। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि फोन के ऐप पर ये मुझे दिखा रहा है, देखो मुझे दिखा रहा है, ये दिखा रहा है ना। तो ये फोन पर ये लाइव आप व्यू ले सकते हो 1080p का। इसमें डायरेक्ट ये देता है, ये सारी 1080p का ये डायरेक्ट मतलब ट्रांसफर रेट है इसका। हालांकि इसकी बैटरी मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा देर रुक पाती होगी, क्योंकि अभी ये 20% बैटरी दिखा रहा था, तो अभी जस्ट ये 14% बैटरी इसकी हो गई है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये इसकी बैटरी ज़्यादा नहीं चल रही है, तो उसको चलने के लिए आपको और भी बैटरी आपको एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी। तो वो भी मैं ऑर्डर कर दूंगा, बैटरी वो भी आएगी। तो अब जो भी वीडियोस बनेगी दोस्तों, वो आप देखेंगे इस GoPro Hero 9 से। और इसके सेटअप के लिए आप क्या कर सकते हो, इस नॉब को ऊपर करना है और ये नॉब इस पे ऐसे लगा देनी है और फिर ये लगाने के बाद में यहां से आपको टाइट कर देना है। इसमें अपग्रेड करने का एक ऑप्शन आता है, वो अपग्रेड अगर आप कर देंगे तो ये जाहिर सी बात है कि अपडेट हो जाएगा। बट इसमें अपडेट होने के लिए 50% प्लस बैटरी होनी चाहिए और उसके बाद में SD कार्ड होना चाहिए, जो कि अभी इसमें SD कार्ड भी नहीं है और 50% बैटरी भी नहीं है इसके अंदर। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि अभी मैं इसको चार्ज पे लगाता हूँ और फिर इसमें बैटरी डालूँ, वो मेमोरी कार्ड डालूंगा। अभी मैं लेकर के आता हूँ, मेमोरी कार्ड डालूंगा, उसके बाद में ये चलेगा।